सत्य के साथ। वाहन रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लोगों की जिंदगी में वाहन जितना जरूरी हो चुका है उतना शायद ही आज के टाइम में कुछ चीज जरूरी हो। रोजमर्रा की जिंदगी में वाहन का एक बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के वरिष्ठ अधिकारी जो देहरादून राजधानी के आरटीओ हैं हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जी। आज हम उनसे बात करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आरटीओ न्यूज वायरस चैनल पर। धन्यवाद सर। वाहनों का जो रोजमर्रा की जिंदगी में वाहन आपको पता ही है बहुत जरूरी हो चुका है सर, क्या कुछ है, किस तरीके से देखते हैं वाहन के क्या कुछ नियम है? देखिए परिवहन विभाग जो है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो सड़क पर चलने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट वाहन हैं उनमें जो चलाने वाला व्यक्ति है वो ट्रेंड व्यक्ति हो जिसके लिए हम लोग लाइसेंस देते हैं, और जो चलने वाला वाहन है वो नियम के अनुसार बना हुआ हो और इस तरह चले जिससे कि जो सड़क पर अन्य व्यक्ति चल रहे हों उनको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, यानी कि सड़क सुरक्षा। परिवहन विभाग इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखता है और उसको देखते हुए हमारे द्वारा ना सिर्फ लोगों को ट्रेंड लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं, उसके अलावा गाड़ियों का पंजीयन होता है और कितनी गाड़ियां किसी सड़क पर चलेंगी उसके लिए हम लोग परमिट देते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र पर ई रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह ये बहुत चल रहे हैं आजकल, जिनके पास ना परमिट है ना टैक्स है, इसको लेकर क्या कुछ परिवहन कर रहा है? देखिए ई रिक्शा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल ई व्हीकल्स का बहुत बड़ा जोर है जिसके अंतर्गत ई बसेस चल रही हैं, ई कार्स चल रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं और ई ऑटो चल रहे हैं। जो केंद्र सरकार है उसने जितने भी ई व्हीकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको परमिट से छूट दे दी है, ऐसे वाहनों को परमिट की ज़रूरत नहीं होती है, उसी के अंदर ई रिक्शा भी आता है, परंतु इनका पंजीयन कराना बहुत ज़रूरी है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमारे यहाँ भी जैसे ई रिक्शा रजिस्टर्ड है परंतु इनकी एक संख्या जो कि किसी पर्टिकुलर रोड पर इतनी ज़्यादा ना हो जाए जिससे कि ट्रैफिक जाम हो या लोगों को परेशानी हो, उसके लिए कुछ मुख्य रोड हैं उन पर इनका संचालन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक प्रतिबंधित है। इनकी स्पीड क्योंकि कम होती है इस वजह से पूरे ट्रैफिक में एक ड्रैग का इफेक्ट पड़ता है, उसको देखते हुए जो पुलिस है उसने ट्रैफिक के अंदर इनको 8 से 8 तक प्रतिबंधित किया हुआ है। जनता को अभी भी इतना समझ नहीं आ पा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनेंगे, किसी के लोगों को प्रक्रिया पता नहीं है पूरी उसकी, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बताना चाहना है? देखिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दो स्टेजों से गुजरना होता है। एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज जिसमें आपको पता होना चाहिए गाड़ी के बारे में, सड़क के ट्रैफिक के बारे में, रोड साइंस के बारे में या रोड मार्किंग्स के बारे में। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के पास 18 वर्ष से अगर ऊपर का है तो वो किसी भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर छोटे बच्चे हैं जो कि नॉन गियर की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो 16 वर्ष तक का उसमें मिनिमम है। अगर आपको लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो सारी प्रक्रिया है, अप्लाई करना, टेस्ट देना, ये सब ऑनलाइन हो गई है। आपने अपना अप्लाई किया और एक पर्टिकुलर फीस है, अगर आप एक गाड़ी की बनाना चाहते हैं तो लगभग 300 रुपये है, दो गाड़ियों का बनाना चाहते हैं तो 400 रुपये है लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस। आप अपनी फ़ीस अपने कार्ड से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपके उम्र से रिलेटेड एक हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो स्वयं का डिक्लेरेशन होता है, उसके साथ एक फॉर्म होता है कि मैं ऐसे ऐसे अपने लाइसेंस को अप्लाई करना चाहता हूँ, हम आपको स्लॉट ऑनलाइन ही दे देते हैं। उस ऑनलाइन स्लॉट के लिए आपको टेस्ट के लिए हमारे ऑफिस आना होता है, उस टेस्ट को हम कंप्यूटर के ऊपर ही लेते हैं। 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 में से अगर 9 क्वेश्चंस आप सही कर लेते हैं सही तो आपको ऑटोमेटिकली लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाता है। अब लर्निंग लाइसेंस के होने के 30 दिन के बाद और 180 दिन से पहले आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारे इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, जैसे देहरादून में है IDTR है, हरिद्वार में भी हम अपना बना रहे हैं और ऋषिकेश में भी है,
आपको सिर्फ टेस्ट देने जाना है, अगर आप टेस्ट में सफल होते हैं तो आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। सर परमानेंट लाइसेंस के लिए लोगों को झाझरा जाना पड़ता है, जो ITDA है परिवहन विभाग का, इसमें से लोगों को टू व्हीलर के लिए भी है, फोर व्हीलर के लिए भी है, काफ़ी दूर भी है, किलोमीटर आने जाने में बहुत समय लगता है जनता का, इसको लेकर ये देहरादून में क्यों नहीं हो सकता है जो इतना दूर बना, ये भी जनता के सवाल हैं जो हमसे लोगों ने बोला। देखिए ऐसा है कि आजकल जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए जिसमें कि कार चलाई जा सके और टू व्हीलर चलाया जा सके। उस इतनी बड़ी जगह को देहरादून के शहर में उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। उसको देखते हुए नॉर्थ की गाइडलाइंस के हिसाब से जो सबसे नज़दीक जगह पड़ रही है वो झाझरा पड़ी, और वहाँ पर हमारे द्वारा मारुति के साथ कोलैबोरेशन में एक बड़ा हाईटेक टाइप का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जहाँ पर बिल्कुल नियम अनुसार कैमरों के निगरानी के अंदर, और एक नई टेक्नोलॉजी है हेम्स की। हेम्स का मतलब होता है जो हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल मोटर सेफ्टी, यानी कि आपके जो गाड़ी है उसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन भी होती है, सैटेलाइट के माध्यम से भी होती है, और जो हमारे सेंसर्स होते हैं उसके माध्यम से होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये US में यूज़ होता है, इंडिया में पहली बार देहरादून के IDTR में यूज़ हो रहा है। इसी वजह से हमने बड़ा प्रेमाइसिस बनाया है और वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उनका टेस्ट लेते हैं। यातायात पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग समन्वय बनाकर यातायात को सुचारू करने के लिए भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो इसमें सर परिवहन विभाग का कितना अहम रोल माना जाता है? ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है राजधानी में, इसको लेकर क्या है? देखिए ऐसा है, परिवहन विभाग पूरा ट्रांसपोर्ट देखता है। ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत लाइसेंस, गाड़ी, परमिट, फिटनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्ट का एक छोटा पार्ट होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्योंकि पुलिस के पास जनरल लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो इसीलिए एक पुलिस का सेक्शन है जो ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, वो ट्रैफिक देखती है। ट्रैफिक मतलब किसी रोड पर कितनी संख्या में गाड़ियां चलेंगी, तो वो पुलिस इस चीज़ को देखती है। साथ में परिवहन विभाग देखता है कि जितनी भी सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो शहर के अंदर हो, शहर के बाहर हो, वो नियम के अनुसार चलें और ऐसे किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें जिससे सड़क सुरक्षा की दृष्टि से रोड यूज़र्स को हानि पहुंच सकती है। पुलिस विभाग और परिवहन विभाग आपस में समन्वय मिलके दो तरह का इन्फोर्समेंट करता है। एक डायनेमिक इन्फोर्समेंट है जिसकी कि हमारी 7 टीमें हैं जो इंटरसेप्टर से चेकिंग करती हैं। दूसरा स्टेटिक इन्फोर्समेंट है जो हम ANPR कैमरे के माध्यम से, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के माध्यम से हम लोग चालान करते हैं, जिससे कि ट्रैफिक सही रहे और लोग सुरक्षित रहें। जनता को आप कुछ क्या सलाह देना चाहते हैं कि गाड़ी और ट्रैफिक को, जो बढ़ता ट्रैफिक है राजधानी, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है और जनता इसमें हमारा परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कैसे चल सकती है? देखिए मेरा तो जनता से यही अपील है, क्योंकि अगर ट्रैफिक रुकेगा तो जनता को ही परेशानी होती है। अगर हम धैर्य से गाड़ी चलाएं, अगर कहीं पर रेड लाइट है तो रेड लाइट की लाइन में गाड़ियां खड़ी करें, ऐसा ना हो कि आप दूसरी साइड पर भी गाड़ियां खड़ी कर दें जिससे कि ट्रैफिक रुके। अगर एक के पीछे एक गाड़ी लगाएंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियां हमारी रोडों से निकल जाएंगी। जहां तक वाहनों की संख्या का सवाल है, हम लोग दो तरह के प्रयास कर रहे हैं। पहला, रोडों का जितना चौड़ीकरण कर सकते हैं वो चौड़ीकरण कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे वाहन जो कि पुराने और स्क्रैप हो चुके हैं और रोड के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को बाधित करते हैं, उन वाहनों को हम स्क्रैप करा रहे हैं। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फॉलो करें, उसके लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देहरादून में मजबूत कर रहे हैं, जिसके लिए 16 अक्टूबर आने वाले 4-5 दिन के बाद हम लोग RTA की बैठक कर रहे हैं, जिसमें गाड़वाल कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे देहरादून, हरिद्वार, टेहरी जैसे जो मुख्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ट्रैफिक कॉन्जेशन को कम से कम किया जा सके। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देहरादून के RTO, राजधानी देहरादून के RTO सुनील शर्मा जी, जो इनका कहना है, साफ तौर से कहना है कि जनता को परिवहन विभाग के साथ और पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक से जो जुझारू हैं उसको दूर किया जा सकता है, और अपने ड्राइविंग लाइसेंस और नियमों को मानते हुए आप अपना परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाकर चलें और जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको माने। कैमरामैन इमरान के साथ फैजान खान, TV News 12।
सत्य के साथ।